पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। सबसे कम जो मिनिमम तापमान है नवरंगपुर का 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सिमलीगुड़ा हिल स्टेशन का 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 21 डिग्री सेल्सियस और कटक में भी 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अगर मतलब नवरंगपुर में जो तापमान चेंज है सबसे अधिक -1.4 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो अभी जो फिलहाल साउथ अंडमान सी के ऊपर जो सर्कुलेशन है वो मिड टू ऑपोजिट तक एक्सटेंड कर रही है और साउथ की तरफ टिल्ट कर रही है। इसकी प्रभाव की वजह से एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा और एक डिप्रेशन में इंटेंसीफाई होगा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर 16 नवंबर के पास। इसकी संभावना है डिप्रेशन बनने की, तो इसकी वजह से वेदर फोरकास्ट में डे 3 15 तारीख को जो हमारे कोस्टल ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम, गजपति, रायगढ़ इनमें स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना, बाकी जगह एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है जिसमें भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, खुर्दा और शामिल है। 16 तारीख को जो जो सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा, 16 तारीख को हमारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कुछ स्थानों पर जो फेयरली वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है जैसे भद्रक, केंद्रपुर, जयसिंहपुर, कटक, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, गंजम में और बाकी उसके साथ सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कुछ कुछ जगह पे और एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 16 तारीख को हैवी रेनफॉल के लिए एक दो स्थान पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है जिसके लिए येलो वार्निंग दी गई, जिसमें भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, जयसिंहपुर, पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट शामिल है। बाकी जो आप येलो रीजन देख रहे हो वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 में भी जो सिस्टम का प्रभाव नॉर्थ उड़ीसा में ज्यादा देखा जा सकेगा। उसके बाद डे 5 में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए भी नॉर्थ उड़ीसा का जो मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खुर्दा, पुरी, झंडा डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आज भी येलो वार्निंग दी गई है। 18 तारीख को भी जो सिस्टम आगे मूव करने की संभावना है इसमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर में एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। टेम्परेचर में अगले 4-5 दिन तक कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। फिशरमैन को डे 5 या 17 तारीख को वार्निंग दी जाती है कि येलो वार्निंग की वो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल रीजन जहाँ पे स्केली वेदर रह सकता है सिस्टम के प्रभाव की वजह से विंड स्पीड 45-55 के एमपीएच रहने की संभावना है वहां पर जाने की मनाही है 17 नवंबर को।